सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। डाउनलोड द ऐप। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। हेलो इमरान हाशमी अंकल, कैसे हैं आप? अली, ये नवाजुद्दीन है। मैंने ट्रेलर देखे हुए अंकल। ये कौन है? नवाजू अंकल, मैं लल्ली है लल्ला। अंकल ये मेरा ना टू टायर फ्रेंड है, वन टायर टू टायर। अंकल जी, जब भी मैं इसको देखती हूँ ना, मेरे को लगता है किसी ने आटा गूंद दिया है। लल्ली कौन है ये? अंकल ये व्हाट्सएप वाला बच्चा है जिसकी फोटो सारे फॉरवर्ड करते हैं कि ये बच्चा गुम हो गया है, जिसको भी मिले घर पहुंचा दो। बेटे घर छोड़ के आना, उसके माँ बाप ढूंढ रहे होंगे उसको। नहीं, वो तो एक साल पहले ही मिल गया। लेकिन वो क्या है ना, मैसेज अभी भी फॉरवर्ड करी जा रहे हैं। अंकल बड़ा प्यारा बच्चा है। नमस्ते घर। नमस्ते। ठंडा ही हो गया भालू। सच्ची बोलूं अंकल, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग ना रोमांटिक भी हो सकते हैं। पैर पे सड़ गया। जा यहाँ से, लड्डू लेके रखना, ठीक है? सारा मत खा लियो। नवाज अंकल, आप मेरे साथ स्कूल चल लोगे? क्यों? मैं क्यों? क्योंकि हिस्ट्री का, मैथ का, साइंस का, सबका बदला लेगी ये लल्ली। दीदी जी, दीदी आप बंगाली हो ना? हाँ। सिद्धू अंकल को बंगाली लोग बहुत पसंद है। जानती हूँ, जानती हूँ। वो कब बंगाली बोलते हैं? जी दीदी, एक बार नंबर दे के देखो, फिर वह गुरु ही तुम्हारे पालू पसी। लल्ली तू पढ़ाई में मन लगाया कर, तू ये सब ना किया कर। एक मिनट मिलोट, किसने कहा मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाती? ये देखो, फादर का ऐसे दिया था, मैंने पूरा लिख दिया। ये तो सारा ही खाली है। हाँ तो डैडी भी खाली है ना, कोई काम नहीं करते। मजा नहीं आ रहा बीच में बैठती। बैठो बैठो। पापा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते बेटा। मुझे पापा पसंद नहीं पर्सनली, बहुत काम करवाते हैं मेरे से, इतनी मजदूरी करवाते हैं ना, मैं क्या करूं अंकल। मैं घर जाती हूँ, मुझे कहते लाइट बंद कर, पक्का चला, चादर दे, फाइल रख, पानी ये कर। कोई बात नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ अंकल, ऊपर से मुझे होमवर्क भी खुद करना पड़ता है। रो लेते हैं बहन, रो लेते। दीदी आपके जुए तो नहीं है ना? नहीं आ गए, स्कूल बच्चों के जुए होते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रही थी मेरे हैं। जुओं को मिले नया घर। तुम्हारे स्कूल में शिकायत करनी तुम्हारी। खा गई। अंकल क्या शिकायत? शिकायत हाँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता स्कूल के। मैंने आपकी फिल्म देखी थी माजी ना माउंटेन मैन, उसमें आपने पहाड़ तोड़ दिया था ना अंकल। तोड़ा मैं दूंगी, आओ ना अंकल मिलके स्कूल तोड़े। अंकल हमें से स्कूल चलोगे? तोड़ने नहीं जाऊंगा। नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखना, हिंदी पंजाबी मैथ साइंस सबका बदला लेगा ये लल्ली का फैसल। लेगा ना अंकल? मेरे को स्कूल में बहुत लोग तंग करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह हथियार दे दूंगा। किताबों की जगह वो ले जाना हथियार, मैं रख दूंगा इसमें बैग में। मैंने दो कट्टे मंगाए हुए हैं पहले से। थैंक यू अंकल, आप मेरे साथ स्कूल आना, फिर देखना हिस्ट्री पंजाबी साइंस सबकी वाट लगा देगी ये लल्ली। क्यों? बिल्कुल। अंकल आप डायलॉग सुना दो, वो वाला कैसे बोलते हो? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। मैं बोलती हूँ सबका बाप का, दादा का, माँ का, चाचा का, नाना का, सबका बदला लेगी तेरी आंख फोड़। सिद्धू बाजी। हाँ जी। आपको तो पता है पिछले 10 सालों से हमारी बम्पर की शादी नहीं हो रही। एक मिनट फोटो दिखाती हूँ, ये देखो भाजी।
पाजी कहाँ से इसकी शादी हो? इतना बड़ा मुंह पाजी, इतना तो दरियाई घोड़े का नहीं बड़ा होता मुंह। मैंने एक लड़के से रिश्ता भी बुक किया था। अच्छा? मैंने कहा पाजी ये देखो फोटो देखिए लड़के की। पाजी लड़के को इतना गुस्सा आया, उसने अपना भाई मुझे फेंक के मारा पता। खैर कोई बात नहीं, जो मर्जी कहो पाजी, है तो लड़की ना। कहते भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, मुंडा मिल गया जे। अच्छा पाजी देखना सही कैसा रिश्ता करवाया बबली ने। Really? बुलाती हूँ इसको, पागल ही हो जाएगी सुन के। बम्पर बम्पर, मैंने कितनी बार कहा ऐसे भाग के मत आया कर, ऐसे लगता ट्रक पागल हो गया है। ये देखिए लॉरी को ट्रक की कितनी चिंता हो रही है। वैसे तेरे को एक बात बताऊं, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या बर्गर सस्ते हो गए? आगे लिए बर्गर महंगे हो या सस्ते तुझे क्या फर्क पड़ता है। सिद्धू बाजी एक बार बर्गर वाली दुकान के जाके कहती कि भैया अगर मैं आपका बर्गर खा लूं और पैसे ना दूं तो क्या होता है? तो भैया कहता 10 मुक्के पड़ते हैं। अच्छा अगर एक्स्ट्रा चीज वाला खाऊं तो फिर मुक्के ही लाते। क्यूटी पाई। क्या कर सकते हैं सिद्धू जी, आप ही बताइए, महंगाई इतनी बढ़ गई है। पता है मेरे दादाजी के टाइम पे एक मुक्के में दो बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक साथ में मिल जाती थी, उसमें भी थोड़ा सा मुक्का बच जाता था। वैसे आप ये बताइए ना खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है बम्पर कि मैंने तेरी शादी के लिए एक लड़का ढूंढा है। आपको पता भी है मुझे कैसा लड़का चाहिए? देखो बम्पर जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, तुम्हें जिंदा लड़का मिल जाए इतना ही बहुत है। लेकिन बात कहूं जो लड़का मैंने ढूंढा है ना, उनकी दो ही शर्तें हैं। एक तो लड़की संस्कारी घर से होनी चाहिए और दूसरा लड़की के घर वाली अमीर होनी चाहिए। अमीर? संस्कारी घर की तो मैं हूँ लेकिन अमीर? आए पाजी वाकई बड़े गरीब है, आपको पता है अगर दरवाजे पे ये और गाय एक साथ खड़े हो ना तो सबसे पहले रोटी इसको देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कप्पू और चंदू से भी बात कर ली, वो भी तेरी हेल्प कर रहे हैं। बस तू लड़के वालों के सामने एकदम अमीरों वाली हरकतें करना। ओ उसका तो आप टेंशन ही मत लो, मैं एकदम कमाल की अमीर बन जाऊंगी। जैसे कि अपने ये 10, 20, 50, 100, 500 के नोटों को तो मैं पहचानूंगी ही नहीं, और 2000 के नोट को तो मैं वैसे भी नहीं पहचानती, मैंने देखा ही नहीं ना। ओ क्यूट पाजी, जा बेबी जाके अच्छी तरह से तैयार हो, लड़के वाले आने वाले हैं। वैसे आपके पास एक कोई डबल एक्सेल वाली साड़ियाँ होंगी क्या? मेरी सारी साड़ियाँ ना एकदम टाइट हो गई हैं मौसम। अच्छा साड़ियाँ टाइट नहीं होती, ब्लाउज टाइट होते हैं पागल। चल जा यहाँ से तैयार हो। आप औरत हैं आपको ज्यादा पता होगा। I'm a girl, I'm a girl. चलो 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 चलो। अमीर लग रहे हैं हम। मैंने आपको अमीर बनने के कहा था, बप्पी लारी नहीं ना। इसने तो अमीर भी नहीं पहनते गहने जिन्हें आप गरीबों ने पहने, थोड़े कम करो भी। अच्छे काम नहीं करने हैं, नकली है फिर क्या हुआ, है तो सोना के नहीं, नहीं तो हमारे घर में सोने के नाम पे तो सिर्फ कराटे ही होते हैं। मेरी बात सुन, अपना मुंह मत खोलना चाहना लड़के वालों के सामने। क्यों, अंदर बिल्ली बच्चे दे जाती है? तो बेवकूफ आदमी, उनको पता चल जाएगा इतना सोना नकली जितनी माँ नकली है, और ज्यादा हिलना जुलना नहीं है ना, माँ बिखर जाए उधर। एक मिनट चंदू बात सुनो। हाँ, जैसा हाँ, मैंने समझाया था ना बिल्कुल वैसा ही करना, वैसा ही। मतलब अमीरी वाली फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है पक्का? पक्का। एक मिनट फिर। ओ इतना मोटा नोट, नोटों की गड्डी कहते हैं इसको। रिश्ता होने के बाद दे देती, इतनी क्या जल्दी थी, आप पे विश्वास है? मैं भी बड़ी चंटू बाद में दूंगी। एक्चुअली ये गट्टी है ना, ये अमीरी शो करने के लिए, इसका ऊपर का और नीचे का नोट असली है, बाकी सब भारतीय चूरन बैंक वाले हैं। और हाँ कप्पू, ये लो चेक बुक, बाद बाद में चेक फाड़ के उड़ाते रहना। मैंने कहा देखो अमीरी शो हो थोड़ी। आ गए लड़के वाले। कहाँ? कार के नीचे। कार में बैठ के आए। अच्छा अच्छा। माँ का बेटा हुआ इतना नाच रहे हो। ये चेक स्वागत करो भी लड़के वालों का। एक मिनट भाई साहब, ये चेक क्यों आप फाड़ फाड़ के लुटा रहे हैं?
अब 5-7 लाख कैश कौन लुटाए? हमारे यहाँ सारा काम वाइट में होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ब्लैक शर्ट भी वाइट होती है। आपको आने में कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हुई? ना जी ना, हम कौन सा बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। अच्छा, अच्छा। गाड़ी में बैठे इधर आके पहुँच गए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी तारीफ। ये लड़की के करोड़पति मम्मी पापा। हाँ जी वाह वाह, सच में लग रहे हैं जी। हाँ जी, इतने गहने तो जोधपुर की महारानी नहीं पहनती जितने आप पहन के घूम रही है। अभी तो ये जल्दी जल्दी में तैयार हुई है, इसलिए सिर्फ गले और हाथ में पहने, नहीं तो प्रॉपर तैयार होती है ना, जुबान पे भी ऐसे कंगन पहन के आती है। अच्छा, फिर इससे बोला नहीं जाता, रुर रुर करती, मैंने खुद ही मना किया। हाँ जी, हमारे पास तो सोना ही इतना, लोग तो प्यार से मुझे सोन पापड़ी भी कहते हैं। पैसा तो इतना है, मैंने कल छींक मारी, 2 हीरे निकले, आप बिलीव नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ जी, 4 तो अभी भी फंसे पड़े नाक में। हाँ जी, वो जिस दिन जुकाम होगा निकल आएंगे। अच्छा, हम लोगों की फैमिली में थोड़ा मजाक करने की आदत है। अच्छा, अच्छा। लड़का आपका नजर नहीं आ रहा। तो मेरे साथ ये स्कूटर खड़ा है, ये लड़का ही है। अच्छा 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 अच्छा, ये बड़ा दुबला पतला है। अच्छा, अच्छा। वैसे ये लड़का और सुई अगर जमीन पे गिर जाए तो पहले तो सुई मिलती होगी। बेटा बेइज्जती होने से पहले पहले नमस्ते कर लिया करो। नमस्ते करो बेटा। जी नमस्ते भाभी ना किया करो बेटा, लेकिन नाश्ता कर लिया करो। अच्छा इधर आके बैठो, भी मेहमान आइए आइए आइए, बैठ मेरा भतीजा बैठ। अच्छा बेटा, क्या लोगे, चाय कॉफी या चवनप्राश? चवनप्राश जो आप चीज आपने नहीं खिलाई हम तो वही पूछेंगे ना फिर। मेरी बेटी आ गई है। अरे बहू आओ आओ आओ, बैठो बहू। नहीं नहीं, इसको रहने दो, बैठ जाती है, खड़े होने में बड़ा टाइम लगता है। बैठो आप, खड़ी रहो बेटा। हाँ जी बेटी, चाय दो इनको। नहीं आप लीजिए ना, चाय लीजिए, सोने की बिस्किट लीजिए। चाय के साथ सोने की बिस्किट? हाँ जी, सोना पड़ा पड़ा खराब ना हो जाए, इसलिए हमने बिस्किट बनवा लिए। बेटे ये ऋतिक है तुम्हारा, बेटर हाफ। पर ये तो सिर्फ हाफ है बेटे, यही बेटर है। बंपर माय बेटी। बम्पर कुछ अजीब नहीं है नाम? ये ऋतिक हो सकता है, ये बम्पर नहीं हो सकती। चाचू लड़की थोड़ी सी मोटी है। देखिए दामाजी, आप ना बड़ा करीब से देख रहे हैं, आप थोड़ा दूर चले जाइए, आप 1.5 किलोमीटर दूर से देखिए, बहुत सुंदर लगती, पटाखा लगती, मैं कह रहा हूँ आपको, ये ऐसा होता है। और वैसे भी शादी के बाद देखिए, मियां बीवी में इतनी नजदीकियां रहती नहीं है, दूर दूर से देखते हैं सब, दूर से बहुत अच्छी लगती है, मेरा विश्वास करें। अच्छा बेटे ऋतिक बेटे, आपको हमारी बेटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं 2-4 घंटे के लिए इनसे अकेले में मिल सकता हूँ? देखिए मेरी बात सुनो, ये अकेले में मिलने वाली बात कोई नहीं करने देनी हमने। अकेले में तूने मिल लिया उसको, तुम बाद में मुकर गए तो फिर देखो, ऐसी चीजें मैंने बहुत की हैं। मैं भी शादी से पहले इसको अकेले में मिला था 2 मिनट, मेरे को अच्छी नहीं लगी, इसने मेरे पे इल्जाम लगाया, मुझे शादी करनी पड़ी। और क्या, नहीं तो हमारी लड़की इतनी शरीफ है, हम नहीं भेजेंगे भी लड़के को। हाँ। अकेले में लड़का लड़की, हटो ना पीछे। अरे मैं कौन सा छेड़ रहा हूँ? बेटा तुमने छेड़ ना, इसने कहीं छेड़ दिया तो बहुत नॉटी है। एक बात बताइए, आपकी क्या क्या हॉबीज है? हॉबीज खाते खाते गाना सुनना, खाते खाते फिल्में देखना, खाते खाते जॉगिंग करना और फिर खा पी के सो जाना। देखिए हमने आपकी खुराक नहीं पूछी है, आपकी हॉबी पूछी है। ये पहले की बातें थी जो तब खाती थी, अब नहीं इतना खाती, अब तो इसको अच्छा हस्बैंड मिल जाए उसके लिए तो इसने 16 घंटों का व्रत भी रखा हुआ है। देखिए जी, अच्छा हस्बैंड 16 सोमवार का व्रत रखने के बाद मिलता है। 16 घंटे का रखा ना, तभी तो ऐसे रिश्ते आ रहे हैं ना। अच्छा बेटा, आपको और कुछ पूछना है हमारी बेटी से? एक बात बताइए, आप शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जाना पसंद करोगी? हनीमून शादी के बाद भी होता है? देखिए उनको बताइए, हनीमून शादी के बाद ही होता है। पहले तेरी माँ के साथ ना मैं जाऊँ हनीमून पे, ऐसी बातें कौन पूछता है? पहली शादी है। हाँ। कैसे हमारी भोली लड़की से सवाल पूछ रहा? पाजी तो इतनी भोली है ना कि इसको तो पता ही नहीं था कि सनी लियोनी और सनी देओल भाई बहन नहीं है, कोई समझती रही है ना। इतनी भोली लड़की नहीं, नहीं वो तो है, ठीक है भोली है, बैठ जाओ इधर, हमें लड़की पसंद है। क्यों बेटा ऋतिक? हाँ पसंद तो है, लेकिन एक आखिरी सवाल। क्यों, इसके बाद तुम्हें फांसी होने वाली? भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, सवाल पूछते रहो पूछते रहो, क्या पूछना है बताओ। आपको खाना बनाना आता है? वो तो बनाना सीख लेगी, बस तुम प्रॉमिस करो कि तुम खाना खाना सीख लोगे। ऐसी बात नहीं है, बहुत डाइट है इसकी। अच्छा जी? कभी कभी तो पूरा एक पराठा खा जाता है। हाँ जी हाँ जी, मैं बता रहा हूँ आपको ऋतिक, और कोई सवाल करना चाहते तो कर लो। और सवाल तो नहीं है लेकिन फरमाइश है। क्या बेटे बोलो, क्या चाहिए तुम्हें बताओ।
क्या चाहिए तुम्हें बताओ? मैं इनको नृत्य करते हुए देखना चाहता हूँ। वो मैं लगी हुई है, ये हटेगा नहीं। ये कैसी बात है पूछ रहा है ये? पाओ, मैं तो कहती हूँ लटाओ इसको यहाँ पे। देखिए देखिए, इन्होंने आपस में शादी करके रहना, अगर उसकी फरमाइश की तमन्ना है तो अगर वो पूरी कर सकते तो कर दे। नहीं, वो डांस करती नहीं, बहुत बेटा कर लेते हैं, बेटा कर लेते हैं। आता मुझे डांस आता ही नहीं है। नहीं बेटा, मैंने प्लीज मुझे आता ही नहीं है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।